गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ बारबेक्यू कंपनी रजौरी गार्डन में। अकेले जा रहा हूँ, घर वाले ना भरूर साहब गए हुए हैं, तो मैंने कहा अकेला लगा मैं बने से था कुछ खाने का खाया नहीं, तो मैं कुछ बाहर जा के देखता हूँ खाने के लिए। मैं कुछ रेस्टोरेंट लूँगा अलग खाने के लिए, तो उसमें क्या होगा ना वेस्ट होगा आइटम। मैं अकेला हूँ, बफे खा लेता हूँ, थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली होगा, कोई 600-700 में खाने के लिए खा लूँगा। अलग आइटम से मैं बताया आपको बहुत कम ही आता आजकल, और आएगा भी तो अच्छी। अगर किसी फैंसी रेस्टोरेंट ना रहूँ, कुछ नॉर्मल रेस्टोरेंट रहूँ तो कम भी आ सकता है, पर फूड वेस्ट होगा क्योंकि एक बंदा कितना खा लेगा। बफे में एयर ना मैंने लेना अपना खा सकता हूँ, ये भी अच्छा है। आपको गाड़ी लूँगा इस हिसाब से इसका बफे बारबेक्यू कंपनी का रजौरी गार्डन का। फिर चलते हैं, मैं ऊपर से मंगवा लिया वो बाइक, तो उसमें चलते हैं। ठीक है, तेरे नाल प्लान नी आंदे जेड़े सा मैनू तेरा नाम लैन नी काले दिल नू रख लको के साडी लै गए जान जो खोके तेरे पीछे कमले हो गए तू भी। तो पहुंच चुका हूँ रेस्टोरेंट में, और इन चीज़ें रेस्टोरेंट का और यहाँ पे मेन्यू वगैरह। तो ये मेन्यू देखो आप, पॉज करके देख लेना एक बार। ये सब मेन्यू में मेन्यू अच्छा है, बहुत सारे मैं साथ ही बहुत है, मेन को सिर्फ बहुत है यहाँ मेन को सिल्के हुए साथ में प्राइस लिखा हुआ है, वो भी देख लेना आप पॉज करके। तो ये चाट थी लाइव काउंटर में, पापी चाट है और देखने में बहुत अच्छी लग रही है, और उसके साथ था ये पालक पत्ता चाट, और ये ना अपना अपने आए थे वो लोग, मैंने बोला नहीं था अपना भी लाए थे, अच्छा लगा। तो ये लग गया ग्रिल, इसमें नॉर्मल साटस है, ये फिश टिक्का सीख कबाब है, और इसके बाद मैं मिले थे मोमोज। मोमोज का ये रिव्यू दे देता हूँ मैं अभी। मोमोज थे ना वो ठंडे थे, पर बाकी साटस अच्छे थे वैसे। ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला था वैसे, कोल्ड ड्रिंक ऑप्शन था, मोटीटो का ऑप्शन था, मैं मोटीटो ले लिया। कब वो ट्राई करा सीख कबाब, पटन सीख कबाब, दो मोर अच्छे थे अनडाउटली। और इससे बड़ी बात है ना, इनकी जो सर्विस है वो भी अच्छी है। यहाँ पे पनीर टिक्का, सोया चाप और फिश टिक्का तीनों में प्लेट में, अब खा के बताता हूँ तीनों कैसे हैं। और टेस्टी बात करूँ ना कि स्नैक्स थे लाइट थे, हैवी नहीं थे वैसे, पर जब मैंने चाप टेस्ट करी चाप अच्छी थी, सॉफ्ट थी चाप अच्छी थी, डार्क मसाला नहीं थे इनके साथ से, मैं तो बफे खाने का मना आ रहा था। कई बार होता है मसाला ज़्यादा होता तो पेट ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं था। और उस बार पनीर भी स्वाद था इनका, और फिश भी अच्छी थी वैसे, मतलब साथ तंदूरी थे तो और लाइट थे तो अच्छा लग रहा था खाने में। तो यहाँ पे कुछ स्वेस्ट साथ है, क्रिस्पी कॉर्न, बीच रू की चिक्की और सालसा पोटैटो। तो ये मैं ट्राई करे साथ क्रिस्पी कॉर्न जो वो अच्छे थे, ये सौके नहीं थे, ये क्रिस्पी थे, कई कारण सौके भी हो जाते हैं, बॉडर क्रिस्पी होते थे, उसके नंबर रहता हूँ मैं अच्छे। पर सात सौ पोटेटो ट्राई करा मैंने, वो से उठा ही जा रहा था मेरे से, फिर मैंने दिमाग लगाया और स्पून से उठाने की कोशिश करी। अब देखो ये देखो स्पून से मैंने उठाया और फिर मैं स्पून से खाया, तो ये तो चलो नॉर्मल था जैसे होते हैं। फिर उसके बाद में खाई ना जो बीच रू की टिक्की, वो यूनिक थी, वो बहुत कम ना मिलती है वो, और स्वाद भी थी। फिर बीच रू में खाता नहीं हूँ, पर उन्होंने हिसाब से बनाई हुई थी ना कि अच्छी लग रही थी, जैसे ये को ऐसे दिए। सो चुके हैं मेरे, और अब मेन कोर्स करता हूँ, सारे सब हो गए हैं, मतलब मेन कोर्स ट्राई करता हूँ अब कैसा होता है, जैसे ट्राई करूँगा। उसमें मैं लेके आया हूँ बिरयानी और बटर चिकन और करी खाया मैंने, मेरे को बटर चिकन स्वीट आइटम था, उसने बिरयानी का मिला के खाया, थोड़ा अच्छा लगा, करी बहुत स्वाद थी, बटर चिकन भी स्वाद था पर थोड़ा बहुत स्वीट था, अपने बिरयानी का मिला के खाया मज़ा आ गया, बिरयानी भी अच्छी थी वैसे। तो यहाँ यहाँ की आउटलेट है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पंजाब, गुजरात और अब दुबई में भी आ गया भैया। देखो यहाँ पर इसी लगी हुई है पूरी, कैसे उनके बारे में आप पढ़ सकते हो, जैसे तो अगर आप अच्छा रेस्टोरेंट है वैसे, फिर सबसे मैं एक्सपीरियंस रहा हूँ अच्छा रेस्टोरेंट है बहुत। तो ये रंग का डेजर्ट काउंटर की पेस्ट्री वगैरह है और फ्रूट है, गुलाब जामुन भी है वैसे, वो अलग जगह था। तो
तो मैं तो ये दोनों लगाया था, एक दो एक टार्ट एक वैसी है एक आइसक्रीम लगाया था, बाकी मैं बहुत छोटा चंदा जैसे मैं फिर आई था ब्राउनी जैसे बिगॉड की पेस्ट्री भी दी, बाकी रोज खीर भी दी, थोड़ा बना गुलाब जामुन भी था अलग लगा लगा बना मूंग डाल का हलवा। ये जो टार्ट तो था ना स्ट्रॉबेरी टार्ट बहुत टेस्टी था, ये एकदम बेस्ट है ये डेजर्ट में डेकोरा तो पूरा हो चुका है। खाना अनडाउटली बहुत स्वाद था, साथ कुछ कह लो मेन कुछ कह लो डेजर्ट कह लो सब बहुत स्वाद थे। बिल का वेट करता हूँ, बिल पे करता हूँ, काफ़ी मिल लूँगा जाके। ठीक है ये है लोकेशन यहाँ की, ये पता कहाँ मेन रोड है ना जो डी वाली पत्थर वाली मार्केट आपको पता होगा, महात्मा गांधी मार्ग मेन रोड में उसी रोड मेन रोड में है ये देखो पता होगा तो जल्दी वापस आ जाऊँगा अपने घर में। और वहाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। बिल की बात करूँ बिल में आया था 826 का बिल आया था, मैंने पे किया था जोमेटो गोल्ड से, मेरी मेम्बरशिप है ना जोमेटो गोल्ड की, 20% ऑफ मिल गया था। 660 में बिल आया था, 660 में अनलिमिटेड बफे आया, खाना भी स्वाद था, सर्विस उनकी बहुत अच्छी थी। मैंने ऐसे दो तीन खाई, मैंने दो मैं से मतलब ब्रेड नहीं खाई रोटी खाई थी, तो पाँच बार आएगी रोटी लेनी नहीं लेनी पूछने आ गया कि रोटी लेनी कि नहीं लेनी, तो ये अच्छा लगा मेरे। बाकी भी सर्विस अच्छी थी वैसे, लास्ट में क्या हुआ ना लाइट चली गई, जो ए सी थोड़ा कम हो गया था तो ये थोड़ी प्रॉब्लम भी थी, चलो वो भी चलो उनकी प्रॉब्लम नहीं हो तो लाइट चल सकती है। बैकअप टैंक के पास वैसे पर ए सी नहीं चल, कुछ एरिया में ए सी चल रहा था कुछ एरिया में नहीं चल रहा था, तो मेरे को इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, लोगों को थोड़ा इफेक्ट पड़ा। पर तो इस वीडियो को एंड करता हूँ मैं, वीडियो देखने का शुक्रिया, चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है गुड बाय, और शेयर भी करना वीडियो को।